मुश्किल नहीं है, मज़ा है। बच्ची तो बहुत कमाल है, मतलब उससे दो बातें आप सीख लो, ऐसी बच्ची है। चतुर है लेकिन कॉकी नहीं है, मतलब बहुत ही इनोसेंट है, अभी इसका इनोसेंस इंटैक्ट है और बहुत ही परसेप्टिव है। वो सीन जब समझाओ तो समझ जाती है क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है। पुराने दोस्त जब मिलते हैं ना तो अच्छा ये लगता है कि आप कोई बैगेज लेके काम नहीं करते हो। एक शो के सक्सेसफुल होने में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि सारे लोग जो काम कर रहे हैं उस पर उनकी एनर्जीज एक तरह से मिल जाए। हैज़ ऑलवेज बीन दैट फैंटास्टिक फ्रेंड जो बहुत बारीकी से आपको ऑब्जर्व करती है और वो बताती भी है बाद में, तुम ये सोच रहे थे ऐसा करते हो तुम। हाँ, दबंगी एक बहुत ही दबंगी शो है और इट्स अ पावरफुल शो। इट्स नॉट अ रेगुलर, एक ड्रामा है इसमें, लेकिन साथ में एक्शन भी है, टशन भी है, दो भाइयों की तकरार है और एक एक एक, एक बच्ची जो कि इतनी इनोसेंट, स्वीट और एनर्जेटिक है, उसके नज़रिए से दुनिया को देखने का एक प्रयास है जो बहुत ही खूबसूरत तरह से लिखा गया है। और जो कैरेक्टराइजेशन हैं, जो कास्टिंग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारा डायरेक्शन और DOP टीम है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक यूनिट एंड आई एम लविंग वर्किंग विद एंटायर टीम। अच्छा लगता है, वर्दी में अपने आप में एक ताकत होती है ना, तो वो जब पहनो तो महसूस होती है, बनावटी है लेकिन यू सेंस द स्पिरिट ऑफ द वर्दी। और उसमें जब लिखी हुई लाइनों के ज़रिए हम इमोशंस को फील करते हैं तो एक अलग सा लेयर बन के बाहर आता है और वो अपने आप में बहुत ही ड्रामेटिक है, जो आपको देखने में भी मज़ा आ सकता है। ये शो लेने का एक बहुत ही बड़ा कारण ये भी है कि ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है जो मैंने किए हैं अब तक उसे, और स्ट्रेंथ है इस कैरेक्टर में और एक राइचियसनेस, एक ऑनेस्टी जो कि कम देखने को मिलती है, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम हम सब हिंदुस्तानियों में कहीं ना कहीं है कि सच बोलना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, तो उस पर चलना कितना कठिन होता है वो भी इस शो और इस कैरेक्टर के ज़रिए आपको पता चलेगा कि फैमिली कभी कभी सफ़र करती है जब आप करप्ट नहीं होते हो, लेकिन वो जो आज़ादी से हम जी पाते हैं इन द माइंड, वो भी ज़रूरी है, शायद उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ज़रूरी है। उस टाइप का कैरेक्टर है और मेरे लिए इट्स वेरी डिफरेंट देन एनीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर। एक वर्दी के अंदर द वनरेबल मैन अंदर एक सॉफ्ट आदमी भी होता है जो पीड़ित होता है कई बार इमोशनली, तो वो दर्शाने में जो मज़ा आ रहा है मुझे, आई थिंक आई एम रियली लविंग इट। नहीं, मैंने वो एंगल नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ये देखा था कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है और जो कास्ट ये लोग सोच रहे थे और जो कि ले आए हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग कास्ट हैं। एक शो के सक्सेसफुल होने में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि सारे लोग जो काम कर रहे हैं उस पर उनकी एनर्जीज एक तरह से मिल जाए। और इस शो में जितने भी दिन हमने काम किया है, आई कैन वेरी क्लियरली से दैट द एनर्जीज ऑफ एवरी एक्टर, एवरी यूनिट मेंबर हैज़ कम टुगेदर फॉर अ गुड शो, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वी आर मेकिंग अ फैंटास्टिक शो। मुश्किल नहीं है, मज़ा है, बच्ची तो बहुत कमाल है, मतलब उससे दो बातें आप सीख लो, ऐसी बच्ची है ये। चतुर है लेकिन कॉकी नहीं है, मतलब बहुत ही इनोसेंट है, अभी इसका इनोसेंस इंटैक्ट है और बहुत ही परसेप्टिव है। वो सीन जब समझाओ तो समझ जाती है क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, लाइनें भी याद रख लेती है और शॉट के बीच में हम लोग मस्ती मजाक भी करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वर्क विथ अ चाइल्ड लाइक हर। अच्छा है, सेट ऑफ सेट दोनों हम तो पुराने मित्र हैं, मतलब हम सब साथ में ग्रुप में, जैसे शक्ति, श्वेता है, सही है, हुसैन, टीना, सब वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, तो बड़ा मज़ा आता है। हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है ना, कोई साथ में कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, बैठ के गप हाँक ली, पुरानी बातें याद कर ली। सो आई थिंक वी इट्स ग्रेट कैचिंग अप विद ओल्ड फ्रेंड्स। सही हैज़ ऑलवेज बीन दैट फैंटास्टिक फ्रेंड जो बहुत बारीकी से आपको ऑब्जर्व करती है और वो बताती भी है बाद में, तुम ये सोच रहे थे ऐसा करते हो तुम। हाँ, सो सही इज़ दैट एंड इट्स अ ट्रीट जस्ट हैविंग हर अराउंड। पुराने दोस्त जब मिलते हैं ना तो अच्छा ये लगता है कि आप कोई बैगेज लेके काम नहीं करते हो, है ना, आप
को एजेंडा नहीं होता है कोई, है ना, तो दोस्ती बरकरार होती है और उसमें अरस परस में हम यही करते हैं कि सीन बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कई कुछ सजेशन साइको देना है, नहीं उसको मत करना, इतना ज़्यादा मत कर, थोड़ा कम कर दे उसको, तो मैं उसकी बात सुन लूँगा क्योंकि वो एक एक्टर भी है, अब तो डायरेक्ट भी कर रही है फिल्म और पुरानी दोस्त है तो जानती है दैट मानो तो ये मत करती है, पहले भी करता है, तो इसे ऐसे ट्राई कर, इस सीन को ऐसे अप्रोच कर, सो आई थिंक दैट हेल्दी इंटरेक्शन दैट वी हैव इज़ ऑलवेज एन एडवांटेज फॉर एक्टर्स। या मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ दबंगी एक बहुत ही अलग और बहुत ही दमदार शो है, तो आप देखिएगा ज़रूर सोनी टीवी पर अक्टूबर 30th से 8:30 बजे रात को मंडे टू फ्राइडे, सो प्लीज़ वॉच ऑल ऑफ अस ऑन दबंगी। हमें शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है और अच्छे अच्छे सीन्स निकल कर आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट आप यू विल गेट हुक्ड ऑन टू इट। प्लीज़ वॉच दबंगी।